दोस्तों आज हम दर्शन करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के, जो कि 200 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि विश्व में पशुपति के दो ही पंचमुखी मंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर नेपाल में है और दूसरा मंदिर हरिद्वार में है। तो हो जाएं तैयार मेरे साथ भगवान शिव के इस दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम हर की पैड़ी में हैं और यहां से कुसा घाट होते हुए हम चलेंगे हरिद्वार के पशुपतिनाथ मंदिर में और भगवान शिव के 200 वर्ष पुराने मंदिर में दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बारे में बहुत कम श्रद्धालुओं को पता होगा, जबकि ये मंदिर हरिद्वार के मुख्य मंदिरों में शामिल है। अब हम पहुंच चुके हैं कुसा घाट में। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाता है। हालांकि मंदिर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग भी है। हर की पैड़ी की प्रसिद्ध मार्केट मोती बाजार से होकर भी आप इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर की पैड़ी के बिल्कुल पास है। आप जब चाहें 10 मिनट में पैदल इस मंदिर में पहुंच सकते हैं। इससे पहले हम मंदिर तक पहुंचे, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के जो प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं उनको देखना चाहते हैं और हरिद्वार ऋषिकेश में मिलने वाली सुविधाओं को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहां पर आपको आनंद निवास के नाम की एक बिल्डिंग दिखेगी। इसी के सामने पशुपतिनाथ का ये मंदिर है। ये मंदिर श्रवणनाथ मठ के अंदर बना हुआ है और इसकी देखभाल पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के अंतर्गत होती है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान शिव के 200 वर्ष पुराने इस दिव्य और भव्य मंदिर के। यहीं पर एक सुंदर गंगा घाट भी है, तो वहां भी मैं आपको ले चलूंगा और वहां के सुंदर दृश्य दिखाने के साथ साथ मां गंगे के दर्शन भी कराऊंगा। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 200 साल पहले सन 1819 में नेपाल के तत्कालीन राजा विक्रम सिंह ने अपने गुरु श्रवणनाथ मठ के स्वामी श्री श्रवणनाथ गिरी जी के प्रेरणा से करवाया था। इस मंदिर को हरिद्वार में बनाने के पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक आप नेपाल जाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। लेकिन केदारनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है, इन दोनों मंदिरों के बीच की जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एक साथ दोनों यात्रा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रवण मठ के स्वामी श्री श्रवणनाथ गिरी जी ने नेपाल के राजा से धर्मनगरी हरिद्वार में नेपाल की तरह ही पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिरूप को बनाने के लिए कहा, ताकि श्रद्धालु जब भी केदारनाथ धाम से दर्शन करके हरिद्वार पहुँचे तो इस मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा को पूरा कर सके। उसके बाद नेपाल के राजा ने भगवान शिव की प्रतिमा को कसौटी के उसी पत्थर से बनाया जिससे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिमा बनाई गई है। इन्हीं सभी वजह से इस मंदिर का जो महत्व है बहुत ही बढ़ जाता है और इसी वजह से जो हरिद्वार में स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। नमः शिवाय,
कहते हैं कि ये मंदिर पहले बहुत ही खुली जगह में था, धीरे धीरे आसपास में सभी घर बन गए और ये मंदिर बीच में एक तरह से कह सकते हैं चारों ओर से बिल्डिंगों से घिर गया। और अब ये हालात हैं कि आसपास से निकलने वाले श्रद्धालुओं को भी ये मंदिर दिखता ही नहीं है, सिर्फ लोकल व्यक्ति जिनको इस मंदिर के महिमा के बारे में पता है वही यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे ही जो छुपे हुए मंदिर हैं जिनका प्राचीन महत्व है लेकिन दर्शकों को या श्रद्धालुओं को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है, तो उनको जानकारी दी जाए ताकि वो यहाँ पर आकर इस भव्य और दिव्य मंदिर में आकर दर्शन कर सके। दोस्तों, इस मंदिर की जो दीवारें हैं और उसके साथ साथ जो दरवाजे हैं, इसको देखकर जो हमारी प्राचीन कलाकृतियों की धरोहर है उसको ये दर्शाती है। और आप इस मंदिर को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकृति बनाई गई है, जिस तरह इस मंदिर को डिजाइन किया गया है, ये बहुत साल पहले की हमारी एक तरह से एक संस्कृति है, हमारी पहचान है, जिसके द्वारा हम इस तरह के मंदिर अक्सर देखते आ रहे हैं। हालांकि अब इस तरह के मंदिर का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये जो मंदिर है ये विशेष है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो भी पुजारी जी या पंडित जी होंगे उनसे बात करेंगे, और अगर वो अपनी भाषा में या अपने वो अगर इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी दें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि उनको जो है वो मुझसे ज़्यादा पता है इस मंदिर के बारे में, तो उनसे बात भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हैं, तो इनसे बात करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। और पंडित जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है। पंडित प्रीतम भट्ट। पंडित प्रीतम भट्ट जी, तो पंडित जी मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। इतिहास ये है, मंदिर बहुत प्राचीन है, 200 वर्ष पुराना मंदिर है। सन 1819 में नेपाल के राजा राजेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उस टाइम जो श्रवणनाथ महाराज जी थे उनके शिष्य थे नेपाल के राजा, तो केदारनाथ में भगवान शंकर का अर्ध स्वरूप मानते हैं ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में, जो तो पूर्ण दर्शन नेपाल काठमांडू जाकर ही होते हैं। तो इस वजह से उत्तर भारत में भी महादेव का प्रतिमा बनवाई गई, जो नेपाल काठमांडू बिल्कुल सेम प्रतिमा जो आप नेपाल काठमांडू में आप अगर देखेंगे सेम पंचमुखी महादेव आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो पूर्ण दर्शन नेपाल केदारनाथ की वजह से यहाँ उत्तर भारत में भी इसका बनवाया गया, ताकि लोग केदारनाथ जाने के बाद काठमांडू न जाएँ, यहाँ दर्शन नजदीक कर लें। बस यही कारण। तो पंडित जी, 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है जी, 1819 का बनवाया गया। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, सुना है कि नेपाल के बाद जो इंडिया में या कह सकते हैं विश्व में ये दूसरा मंदिर है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि जो आजकल तो है, कहते हैं मध्य प्रदेश में भी, जो हरियाणा में भी कहते हैं बना है, लेकिन उतना प्राचीन ना हो करके प्राचीनतम यही है भारत में, प्राचीनतम इसी को मानते हैं पशुपति, जो दिव्य प्रतिमा जो है नेपाल के बाद जो दिव्य प्रतिमा है, जो क्योंकि इसमें खासियत ये है कि एक तो ये प्राचीन है, दूसरी बात है कि नेपाल के राजा के द्वारा बनवाया गया था, श्रवणनाथ जी महाराज के शिष्य जो नेपाल के राजा थे उस टाइम, और दूसरा जो ये 1200 जो पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर जो है उस टाइम का वहीं का पत्थर है, नेपाल से ही आया हुआ पत्थर है, ये विशेषता है। पंडित जी, यहाँ पर देखने के लिए और दर्शन करने के लिए और कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? बाकी मंदिर तो यहाँ पे सभी हैं, बाकी हरिद्वार में तो बहुत सारी दिव्यता, हरिद्वार में तो पूरा मंदिर ही नहीं, सिर्फ इसी मंदिर परिसर में दिव्यता यही है, एक नंदी जी और महादेव जी जो है वो पूरे प्राचीन ही है, बाकी अन्यत्र सभी महाराज जी की प्रतिमा लगी है, महाकाल भैरव बाबा है और गंगा जमुना सरस्वती माता जी है, मात संतोषी माता जी है, दुर्गा माता जी है, कार्तिकी जी है, गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं, छोटे हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी हैं, बटुक भैरव है माता जी के रक्षक जो रहते हैं, बटुक भैरव राम दरबार है, आपके राम दरबार में आप दर्शन करें, राम दरबार में भी आपके लक्ष्मीनारायण भगवान जी हैं, राम लक्ष्मण सीता माता जी हनुमान जी और राधा श्याम जी, और विशेषतर दो दंती गणेश जी हैं, विशेषतर आप मंदिरों में कहीं भी जाओ तो एक दंती ही गणेश जी मिलते हैं, यहाँ पर दो दंती गणेश जी भी हैं, बाकी छोटा शिवालय भी बना है, यहाँ अंदर लेडीज का प्रवेश नहीं है, अच्छा। छोटा शिवालय भी बना रखा है, जिनको अपने हाथ से जल चढ़ाना हो तो आप वहाँ चढ़ा सकते हैं, अंदर प्रवेश नहीं है, अंदर के रुद्राभिषेक के लिए वो जेंट्स को धोती पहनकर ही अंदर प्रवेश है।
अच्छा, तो नहीं है अंदर प्रवेश, है ना। तो पंडित जी सुबह और शाम की आरती का समय क्या है? सुबह का ग्रीष्मकालीन में सुबह 4 बजे होती है और शाम को ये सूर्यास्त का, सूर्यास्त जैसे सूर्यास्त होता है सूर्यास्त के बाद ही तुरंत बाद होते हैं, सूर्यास्त आधा कम टाइम चलता रहता है सूर्यास्त में। और शीतकालीन में मॉर्निंग का होता है सुबह 5 बजे का, 4:30 बजे 5 बजे की आरती का, बाकी शाम की सूर्यास्त के टाइम आरती होती है। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों अब आप पंचमुखी जो शिवलिंग है दर्शन कर सकते हैं। इसमें भगवान शिव के चारों दिशाओं में उनका मुख है और एक जो ऊपर की ओर भी एक मुख है, इस तरह ये पंचमुखी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप साक्षात भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही जो पंचमुखी शिवलिंग है वो नेपाल के पशुपतनाथ मंदिर में है, तो सेम ऐसा ही उसी के तरह यहाँ पर ये निर्माण कराया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेपाल के राजा ने उस समय निर्माण इसका कराया था। तो ये एक दिव्य और भव्य मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.25 लाख जो रुद्राक्ष हैं उनसे एक यहाँ पर एक झालर टाइप में एक झूमर बनाई गई है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखकर। इसमें 1.25 लाख रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। पहले कहते हैं कि ये पहले चौकोर था और उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह का आकार दिया जा रहा है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें 1.25 लाख रुद्राक्ष लगा कर ये बनाया जाएगा। और अब चलेंगे मंदिर परिसर में जो बाकी मंदिर हैं, वहाँ दर्शन करने के बाद गंगा जी के घाट पर चलेंगे और माँ गंगे के दर्शन करेंगे। और जो घाट है इसी मंदिर के बिल्कुल सामने से, जहाँ से हम लोगों ने मंदिर में एंट्री की थी, वहीं से आनंद जो निवास है वहीं से होते हुए घाट तक चलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस मंदिर तक पहुँचने का जो दूसरा मार्ग है, जो कि मोती बाज़ार से होते हुए आता है, उस मार्ग की भी जानकारी दूँगा। अगर आप मोती बाज़ार में हैं तो उस साइड से भी इस मंदिर में आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी जो श्रद्धालु हैं उनको भी इन मंदिर के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मंदिर के अंदर से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही जो सीधे रास्ता सीढ़ियों के द्वारा गंगा घाट की ओर जाता है। तो अभी मैं आपको यहाँ से होते हुए ले चलता हूँ। और हालांकि यहाँ पर कई दिनों से काम चल रहा है, तो इस समय यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर वगैरह काफ़ी पड़े हैं। तो ये रास्ता वैसे छोटे छोटे कई रास्ते हैं जो गंगा जी के घाट की ओर जाते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर निकलते हुए जैसे ही आनंद निवास के अंदर प्रवेश करेंगे और वहीं पर गंगा जी का घाट है। और अगर आप हरिद्वार हर की पैड़ी में कहीं रुकना चाहते हैं तो आनंद निवास एक अच्छी जगह है, यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ भी रुक सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये कुसा घाट की ओर जाता है। तो अब चलते हैं आनंद निवास के अंदर। और यहाँ पर जो घाट है उसको श्रवणनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। तो आनंद निवास के अंदर से ही होकर रास्ता जाता है और बहुत ही सुंदर गंगा जी का घाट है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस भी है। और
गंगा जी के घाट देखने के बाद हम चलेंगे हर की पैड़ी की जो प्रसिद्ध मार्केट है मोती बाजार, और मोती बाजार से होते हुए जो रास्ता पशुपतनाथ मंदिर के लिए जाता है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं घाट तक पहुँच चुके हैं और घाट के बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से पर देख सकते हैं, और उसके साथ साथ माँ गंगे के आप दर्शन भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं उस वाले रास्ते को देखते हैं। तो इस समय मैं हूँ मोती बाजार में, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मोती बाजार से होते हुए भी अगर आप मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो भी आपको लगभग 10 मिनट में इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं श्री पशुपतनाथ महादेव मंदिर जो कि 200 वर्ष प्राचीन है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता जो अंदर की ओर जाता है यही मंदिर के लिए जाता है। तो इस जो दुकान आपने देखी होगी बाहर उस दुकान का याद रखें, ताकि वैसे तो आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आप आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अब हम जो मेन मंदिर है दूसरे रास्ते से मेन मंदिर की ओर पहुंच चुके हैं, और ऐसे इस रास्ते से भी आप यहां तक आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, हर हर महादेव।